आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द एक्टिव एंड द पैसिव नेचर ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। As we have discussed in the previous topic and I told you how to identify the bidirectional and the unidirectional property of an element from the given characteristics curve. And so in this video, I am going to tell you how to identify the active and the passive nature of an element from the given characteristics curve. And this is very important topic in terms of different competitive examinations. ठीक है, तो इसको इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कि हम कैसे एक कर्व में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो कर्व है वो एक एक्टिव और एक पैसिव एलिमेंट्स के बारे में शो कर रहा है, उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही ज़्यादा माइंड पर रखना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम किसी भी प्रकार के जो कर्व हमारे क्वेश्चन में दिए होंगे उसको बहुत ही हम इजिली वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए, आई विल टेल यू व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। As I written here, if ratio of voltage to current is negative at any point of characteristic curve, then the element will be active, otherwise passive. Okay, what I have written? क्या लिखा है? देखिए यहां पर मैंने, if ratio of voltage to current is negative, यदि वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है यदि वो निगेटिव आ रहा है एट एनी पॉइंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के किसी भी पॉइंट पर, यदि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि उसके किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज टू करंट रेशियो निगेटिव आ रहा है, मतलब वो जो कर्व बना हुआ है वो बना हुआ है एक एक्टिव नेचर वाले एलिमेंट से। ठीक है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी को हमको अपने माइंड पे रखना है और इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम हमको एग्जामिनेशंस में आते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से हमको उनको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ आई विल शो यू सम ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व और उस कर्व से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो कर्व दिया हुआ है वो एक एक्टिव एलिमेंट का है कि पैसिव एलिमेंट्स का है। ओके, अब देखिए यहां पर मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक कर्व यहां पे ड्रॉ किए हुए हैं। अब इस कर्व से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कर्व जो है वो एक एक्टिव नेचर वाले एलिमेंट का है और कौन सा जो कर्व है वो एक पैसिव नेचर वाले एलिमेंट्स का है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला जो हमारा कर्व यहां पे ड्रॉन है। अब देखिए ये हमको एक स्ट्रेट लाइन यहां पे ड्रॉन हुआ है और हम देखें तो इसका जो एक फर्स्ट हाफ जो पोर्शन है ये हमारा आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यदि हम यहां पर बात करें इस कर्व के पार्ट की तो यहां पर आप देखेंगे वोल्टेज जो V बाई आई रेशियो है हमारा क्या हो रहा है यहां पर, ये पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है यहां पर? ये पॉजिटिव हो रहा है। और यदि हम देखें कि ये जो हमारा कर्व है इसका जो अदर हाफ पार्ट है वो कहां पर आ रहा है, ये आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में और यहां पर देखेंगे तो वोल्टेज निगेटिव और करेंट भी निगेटिव, मतलब जो V बाई आई रेशियो आएगा वो भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। मतलब इस पूरे कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम ध्यान से देखें तो किसी भी पॉइंट पर हमको V बाई आई रेशियो जो है वो निगेटिव नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व हमारा ड्रॉ हुआ है ये ड्रॉ हुआ है एक पैसिव नेचर वाले एलिमेंट के लिए। सो विल राइट दिस इज द कर्व फॉर ए पैसिव एलिमेंट। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये सेकेंड कर्व मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए तो इस कर्व का जो एक हाफ पोर्शन है ये ड्रॉन हुआ है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहाँ ड्रॉन हुआ है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो V बाई आई रेशियो निकल के आएगा, यहाँ पर जो V बाई आई रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए V निगेटिव है और I पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रेशियो निकल के आएगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब हम यहां पर देखें जो V बाई आई रेशियो यहां पर निकल के आएगा इस पार्ट के लिए, ये जो कर्व का पार्ट है ये आ रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में और यहां जो V बाई आई रेशियो होगा वो भी क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब हमको इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व के पॉइंट पर हर एक पॉइंट पर क्या हो रहा है, यहां पर हमको एक V बाई आई रेशियो का जो है वो निगेटिव मिल रहा है। मतलब ये जो कर्व रहेगा ये एक एक्टिव नेचर वाला जो एलिमेंट है उसका ये कर्व ड्रॉन है। तो हम लिखेंगे दिस इज द कर्व फॉर ए एक्टिव एलिमेंट, दिस इज कर्व फॉर द एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर जो ये हमारा थर्ड कर्व है ये जो यहाँ पे ड्रॉन हुआ है आप इसको देखेंगे तो इसका जो एक हाफ पोर्शन आप देखिए ये कहाँ आ रहा है, इज कमिंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट।
तो यहां पर आप देखिए जो v बाई आई रेशियो है ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि तो यहां पर v नेगेटिव और i नेगेटिव है, तो v बाई आई रेशियो क्या आएगा, यहां पर पॉजिटिव आएगा। लेकिन जैसे ही हम इसके अदर हाफ की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे यहां पर जो कि आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां वोल्टेज तो पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है, नेगेटिव। वोल्टेज पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है, नेगेटिव है, इसलिए v बाई आई रेशियो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि यदि कर्व के किसी भी पॉइंट पर, यदि कर्व के किसी भी पॉइंट पर v बाई आई रेशियो नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब वो जो कर्व ड्रॉन है दैट इज ड्रॉन फॉर द एक्टिव नेचर ऑफ एन एलिमेंट। तो ये किसका बनेगा, दिस इज ऑल्सो ए कर्व फॉर, वी कैन से फॉर ए एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये जो हमारा फोर्थ कर्व यहां पे ड्रॉन किया गया है, आप इसको अब देखेंगे यहां पर, तो इसका देखेंगे तो इसका जो एक फर्स्ट हाफ पार्ट है ये कहां पर आ रहा है, दिस इज कमिंग ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो वी कैन से द वी बाई आई रेशियो यहां पर क्या होगा, आप देखिए वी नेगेटिव है और करंट भी क्या रहेगा, यहां पर नेगेटिव रहेगा, तो वी बाई आई रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव। और यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो पोर्शन हो रहा है हमारे कर्व का, ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखेंगे तो वोल्टेज क्या है हमारा पॉजिटिव और करंट क्या है नेगेटिव, तो रेशियो क्या आएगा नेगेटिव। और यदि कैरेक्टरिस्टिक कर्व के किसी भी पॉइंट पर v / i रेशियो यदि नेगेटिव होता है, इसका मतलब वो जो कर्व है, ये कर्व हमारा ड्रॉ हुआ है फॉर ए एक्टिव एलिमेंट, फॉर ए एक्टिव एलिमेंट। ओके, सो दिस इज वेरी गुड कॉन्सेप्ट टू आइडेंटिफाई ए एक्टिव एंड पैसिव फ्रॉम द गिवन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे हो सकता है आपको डिफरेंट काइंड के आपको कैरेक्टरिस्टिक कर्व वहां पर क्वेश्चन में आया हो। आप ध्यान रखें, कर्व कैसा भी आया हो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। आप इस कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में कई बार पहले भी आया हुआ है और इन फ्यूचर एग्जामिनेशन में भी आ सकता है। ओके, सो जस्ट फोकस फॉर दिस कॉन्सेप्ट, बाय दैट यू कैन फाइंड in easy way that a curve is whether for a active element or for a passive element. Thank you very much.